हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी फ्रेंड्स, आज की डेट में हम जो है ना सैलरी शीट मेंटेन करेंगे अपनी। डेली बेस पे हमें जो है इस तरह की मसले मसाइल होते हैं, पहले अटेंडेंस लगाएं, फिर जनाब सैलरी शीट बनाएं, और जब डेली बेस पे जो है कोई कॉस्टिंग निकालनी हो या लैंडेड कॉस्ट निकालनी हो तो हमें नए सर से काम करना पड़ता है कि आज जो है कितनी जो है सैलरी कितनी बन रही है। तो एक शीट पे भी ही मैंने सारा कुछ जो है मेंटेन कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह जो है आप अपनी डेली बेस पे सैलरी शीट और अटेंडेंस शीट मेंटेन कर सकते हैं। चलें आज चलते हैं। ये महीना जो है वो जून का चल रहा है। यहाँ पे हम जून जो है जून 2021 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम जो है अपने डेज जो है उनकी सेटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे हम अपना सीरियल नंबर जो है उसकी सेटिंग कर लेते हैं। टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो है पुराने फॉर्मेट पे मैं काम करके दिखा रहा हूँ। अगर अदरवाइज़ आप कहेंगे तो नया फॉर्मेट जो है वो मैं तैयार कर दूँगा। टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो है ना वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए जो है मैं आपको इसी पे बना के जो है दिखा देता हूँ। आप ये चेक कर लें कि आपके संडे जो हैं वो कहाँ कहाँ पे जो है आ रहे हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे जो है क्या नाम है संडे भी काउंट होते रहें, लीव भी काउंट होती रहें, और एबसेंट जो है वो भी काउंट होती रहें, हॉलीडेज वो भी काउंट होते रहें। तो ये एंड पे जो है ना हमने बना दिया है टोटल प्रेजेंट कितनी है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे और कौन से एम्प्लॉय की कितनी जो है प्रेजेंट हैं इस महीने में ना। तो फार्मूला हम लगाएं जी के जी काउंट एफ D4 कॉलम और ये रो, ठीक है, ये कॉलम और ये रो। D4 AH4 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा जनाबली प्रेजेंट का फार्मूला जो है यहाँ पे लग गया। यहाँ पे जो है इसको जो है कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके ना इसको खोल के दोबारा इसकी जो है सेटिंग कर लेते हैं। ये D4 से लेके AH4 तक है। D4 AH4 और काउंट क्या करना है, यहाँ पे हमने अपनी लीव्स जो है ना वो काउंट करनी है, तो एल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हम अपनी एबसेंट काउंट करना चाह रहे हैं, तो ये भी वैसे ही इसकी सेटिंग कर लेंगे। D4 AH4 एबसेंट। और यहाँ पे हम टोटल संडे जो है वो काउंट करना चाह रहे हैं। D4 AH4
संडे संडे। और अगर आपके हॉलीडेज आ रहे हैं तो वो भी यहाँ पे अगर काउंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, काउंट इफ। हाँ D4। AH4। हॉलीडे ब्रैकेट क्लोज। अब ये चेक करें ये फार्मूले जो है किस तरह काम करते हैं। और लीव्स जो है वो भी चेक करें किस तरह काम करती हैं। तो अब देखें कि इस बंदे की 50,000 रुपया जो है ग्रॉस सैलरी है, ठीक है। तो अब डेज के हिसाब से इसकी सैलरी बनानी है तो हम जो है इसका भी वहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं। ये 50,000 मंथ जो है कितने का है, 31 का है। और यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके जितने भी डेज हमारे पास बन रहे हैं। मल्टीप्लाई आप क्या क्या देना चाह रहे हैं, प्रेजेंट देना चाह रहे हैं इसको, प्रेजेंट की सैलरी देना चाह रहे हैं, प्लस संडे की सैलरी देना चाह रहे हैं, और प्लस जो है वो लीव की सैलरी देना चाह रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो ये ब्रैकेट में बंद करके इसको जो है यहाँ पे फार्मूला लगा दें। 45,161 रुपये जो है पेएबल हैं। तो यहाँ पे सैलरी जो है जिस बंदे की जितनी है वहाँ पे जो है डाल के ये जनाब सैलरी डल गई। आपने और कुछ नहीं करना, इसी फार्मूले को जो है कॉपी करना है, कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस फार्मूला जो है इसको भी जो है आपने कॉपी करना है और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है। तो ये जो है आपकी सैलरी जो है बन गई। तो यहाँ पे ये टोटल सैलरी आ रही है और ये आ रही है जनाब जितनी पेएबल है। उसके अलावा कोई अगर डिडक्शन है तो डिडक्शन जो है वो आप यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हैं, प्लस माइनस। ये भी फार्मूला जो है यहाँ पे आपने लगा देना है। ये फार्मूला लग गया तो ये जनाब अली आपका जो है पेएबल आफ्टर डिडक्शन आ गया। और उसके अलावा इस शीट में जो है ये फार्मूले जो है नीचे जो है मैंने लगाए हुए हैं, ये ताकि जो है डेली बेस पे ना काउंटिंग होती रहे हमारी। अगर 8 एम्प्लॉय हैं, कितने लीव पे थे, कितने जो है प्रेजेंट थे और कितने एब्सेंट थे। मिसाल के तौर पे ये एक एल था, ये जो है लीव आ गई, ठीक है। ये एक एब्सेंट था तो लीव आ गई। ये एम्प्लॉय जो है एक तो काउंटिंग में जो है आपकी जो शीट जो है आपको एक्यूरेट हर चीज़ बताती है, और दूसरा जो है कोई बंदा जो है ना स्केप नहीं होता यहाँ से। तो ये है, ये नेम्स हो गए, ये डेजिनेशन हो गए, ये उनकी अटेंडेंस हो गई, ये जो है प्रेजेंट हो गया, ये संडे हो गए, ये टोटल एब्सेंट हो गए, टोटल लीव हो गए। यहाँ पे अगर हमने हॉलीडे का भी फार्मूला लगाया था तो वो भी अप्लाई कर लेते हैं, लगता है या नहीं।
तो ये 5 हो गया है वहाँ पे ना, ये कंट्रोल सी, अगर इसको पी करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, संडे 4 हो गए, अगर हॉलीडे लगाएंगे तो 5 हो जाएंगे। ये सैलरी शीट बन गई है, एंड पे जो है एम्प्लॉय जो है उनके सिग्नेचर आ रहे हैं। ये टोटल जो है आपका आफ्टर डिडक्शन पेएबल आ रहा है, ये ग्रॉस सैलरी पेएबल है, ये आपकी डिडक्शन है, ये जो भी है। अगर ओवर टाइम का जो जो है कॉलम ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे जो है कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अगर नए सर से अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बना के दूँ और मरीज जो है इससे भी अच्छा जो है काम करके जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक बना के दूँ, तो आप जो है ना काइंडली मुझे सब्सक्राइब कर दें और जो है मैसेज दे दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।